अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और अब जब चुनाव हो चुका है तो सभी को इंतजार नतीजों का है। क्या यहां पर दरबार की चलेगी या फिर राज परिवार का सिक्का जमेगा, सबके मन में बस यही सवाल उठ रहा है। दरअसल अमरवाड़ा का उपचुनाव केवल एक आम उपचुनाव नहीं है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अमरवाड़ा जीतना एक साख का सवाल है। कारण ये कि कमलनाथ के गढ़ में आता है अमरवाड़ा। भले ही छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को लोकसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई और भारी कोशिशों और लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने यहां पर जीत का झंडा गाड़ते हुए विवेक बंटी साहू को जिताने में कामयाबी पा ली, लेकिन इस कामयाबी के बाद बीजेपी के लिए एक और अग्नि परीक्षा के रूप में अमरवाड़ा का उपचुनाव है। जबकि कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ होने के कारण यह चुनाव पंजे की साख का भी सवाल है। लेकिन वोटिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे दोनों ही दलों की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि इस सीट पर 82% से भी ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो दोनों ही दलों के लिए अब यह सवाल बन चुका है कि यह वोटिंग प्रतिशत आखिर किसके पाले में यानी किसके पक्ष में गया है। वोटिंग में क्या हुआ, लोगों का क्या कहना था, क्या सोचकर लोगों ने वोट डाला, उनके सामने कौन सा बड़ा मुद्दा यहां पर था, ये सारी बातें तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले यहां का थोड़ा सा राजनीतिक गणित भी जान लेते हैं। फिर आपको बताएंगे कि यहां के प्रत्याशियों की ताकत के साथ साथ लोगों की मतदान के दौरान सामने आई राय क्या कुछ रही। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का किला यानी कि गढ़ माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बीते साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2023 को अगर याद किया जाए तो बीजेपी को जहां बंपर जीत प्रदेश में हासिल हुई तो वहीं इस लहर के बावजूद छिंदवाड़ा में बीजेपी का जादू नहीं चल पाया था। बीजेपी कमलनाथ के किले में सेंध भी नहीं लगा पाई थी, जिसके कारण छिंदवाड़ा की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस फहरिस्त में अमरवाड़ा सीट भी शामिल थी, लेकिन अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह ने विधानसभा से इस्तीफा दिया तो यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी भी बीजेपी ने सीट पर जीत का स्वाद चखा ही ना। दरअसल अमरवाड़ा में आखिरी बार बीजेपी 2008 में विधानसभा का चुनाव जीती थी और उसके बाद से ही बीजेपी को अमरवाड़ा में जीत का इंतजार है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जोर लगाया। कांग्रेस ने इस पूरे उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को धोखेबाज बताकर उन्हें वोट न करने की अपील की। वहीं कमलेश शाह ने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा था। उधर कमलनाथ ने भी अपनी ओर से चुनाव में पूरी ताकत लगाई। वैसे बीते दिनों छिंदी में प्रचार करते हुए कमलनाथ काफी भावुक हुए थे और उन्होंने जनता से पूछा था कि मैंने कौन सी गलती की, मुझसे कौन सा पाप हुआ। इसके अलावा कमलनाथ ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी धीरन शाह को लेकर बड़ा खुलासा किया और कहा था कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए धीरन शाह तो तैयार थे ही नहीं। इसको लेकर उन्होंने आंचल कुंड धाम के दादाजी से बात की और इसके बाद धीरन शाह चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए। सबसे दिलचस्प नजारा तो इस उपचुनाव के दौरान खेत से निकलकर सामने आया, जहां पर छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू ने किसान के साथ हाथ बटाया तो जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में हल चलाते और उनके साथ नकुलनाथ खाद डालते हुए नजर आए थे। अब देखना यह है कि यह फैक्टर वोटिंग पर कितना असर डाल पाया है। वैसे तो माना जा रहा है कि यहां पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इस सीट पर गोंगपा खेल बिगाड़ सकती है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। दरअसल 2003 में अमरवाड़ा से गोंगपा चुनाव जीत चुकी है और यही कारण है कि एक बार फिर से गोंगपा कॉन्फिडेंस में है और जीत के लिए दम भी भर रही है। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और 2,55,000 से ज्यादा वोटर्स वाली आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर हार और जीत का फैसला जनजाति वर्ग ही तय करता है। अब बात कर लेते हैं मतदाताओं के रुख की। तो जब वोटर से बात की गई तो यहां पर मतदाताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। लोग विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट डालने की बात कह रहे थे, तो वहीं यहां के दल बदल की राजनीति और परिवारवाद से भी नाराजगी लोगों में नजर आई। लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही वोटिंग के दौरान, इसे बता रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता राजेश करमेले। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट
कि अमरवाड़ा विधानसभा में हुआ उपचुनाव बेहद दिलचस्प नजर आया, जहां एक ओर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के लिए नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रचार में, वहीं दूसरी तरफ मतदान के दिन अलग अलग नज़ारे देखने को मिले, जहां मतदान के दौरान कुछ हल्की सी झड़प और छुटपुट बहस की खबरें सामने आती रही। वहीं एक गांव ऐसा भी दिखाई पड़ा जिसके किसी भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। इसके अलावा ये जो मुख्य मुकाबला रहा चुनाव का, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच रहा। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जरूर जोर आजमाइश की है। यहाँ पर कांग्रेस से धीरेन शाह चुनाव मैदान में हैं, जो कि आचलकुंड दरबार के सेवादार कहलाते हैं। इसके अलावा कुंवर कमलेश शाह, जो भाजपा के प्रत्याशी है, कांग्रेस छोड़ के हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। कुल मिला के मुकाबला राजा और महाराज के बीच की लड़ाई साबित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि दोनों में से कौन बाजी मारता है। मतगणना 13 तारीख को होनी है। आइए आपको फटाफट बता देते हैं प्रत्याशियों के बारे में। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह हर्रई राज घराने से जुड़े हुए हैं और उनका आदिवासियों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। वे अमरवाड़ा से ही 3 बार कांग्रेस के चिन्ह पर जीतकर विधायक बने। कभी कमलेश शाह की गिनती कमलनाथ के बेहद करीबियों और भरोसेमंद लोगों में हुआ करती थी, लेकिन बीती 29 मार्च 2024 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, विधायकी छोड़ दी। जबकि धीरन शाह इनवाती की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वे 35 साल के हैं और इसके पहले का उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। वे सहकारी समिति में सेल्समैन पद पर काम कर रहे थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वे चुनावी मैदान में उतरे। वे आचलकुंड के मुख्य सेवादार के बेटे हैं और उनकी यही पहचान के कारण कांग्रेस ने उन्हें तुरुप का इक्का मानते हुए प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि आचलकुंड की इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में न केवल प्रसिद्धि है बल्कि लोगों की इस धार्मिक स्थान के प्रति अटूट आस्था है। इसे लोग आचलकुंड दरबार के नाम से पुकारते हैं, यानी कि यहां पर मुकाबला दरबार बनाम राजघराने का है। हालांकि गुंगपा यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी देवराबेन भलावी उम्मीदवार बनाए गए हैं और गुंगपा को आस है कि उसे यहां जीत मिल सकती है, क्योंकि इसके पहले भी यहां पर एक बार गोंगपा चुनाव जीत दर्ज कर चुकी है। गोंगपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए देवरावेन 27 साल के हैं। उनके पिता किसानी का काम करते हैं जबकि वे खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वैसे अब अमरवाड़ा उपचुनाव संपन्न हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद है, जिसके नतीजे अब आने वाली 13 तारीख को आ जाएंगे, यानी कि ज्यादा वक्त बचा नहीं, और तभी पता चलेगा कि यहां दरबार की चलेगी, राज परिवार का सिक्का जमेगा या फिर गुंगपा 2003 का इतिहास दोहरा देगी।